गैस सिलेंडर पर ये सीक्रेट कोड आखिर क्यों होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानोगे तो आप भी चौंक जाओगे। और क्या आप उस आदमी के बारे में जानते हो जिसने अपने बॉडी में सांप के जहर को थोड़ा थोड़ा कर काफी सालों तक इंजेक्ट किया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ ये जानकर आपकी नींद उड़ने वाली है, आई मीन सच में। सो आगे भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ब्लैक ड्रैगन नाम की एक मछली होती है और इसका स्ट्रक्चर इतना डरावना होता है कि ऐसा लगता है मानो ये जीता जागता एक एलियन हो, और इसकी ड्रेडफुल इमेजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये देखो, ये एक नॉर्मल सा कैनेडियन पासपोर्ट है, इसमें कुछ कुछ लिखा है और कुछ फिगर्स बने हैं, मतलब एक नॉर्मल पासपोर्ट की तरह दिख रहा है। पर अब देखो इसे जब यूवी लाइट में देखा जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इतना ब्यूटीफुल और डिटेल्ड व्यू, अमेजिंग। अगर कोई न्यू रेजर ब्लेड है तो अगर उस पर आप कोई भी नाजुक चीज हल्का सा भी घिसोगे तो वो तुरंत कट जाएगा, इतना शार्प होता है कि। पर ये आप सुनकर चौंक जाओगे कि जो स्नेल होता है वो किसी भी ब्लेड पर, चाहे वो ब्लेड कितना भी शार्प क्यों ना हो, स्नेल उस पर आसानी से चढ़कर उतर सकता है और उसको जरा सा कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, अमेजिंग है ना। दुनिया भर में लोग इंटरनेट यूज करते हैं और हर एक सेकंड में कितने सारे लोग एक साथ इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, बट फिर भी ह्यूमंस का इंटरनेट पर इतना ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी इंटरनेट पर ह्यूमन का सिर्फ 50% ही ट्रैफिक होता है और बाकी 50% सिर्फ बॉट्स का ट्रैफिक होता है, जो AI जनरेटेड बॉट्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि हम जो कुछ भी सर्च करते हैं उसको ढूंढ कर लाना और दिखाना और भी बहुत कुछ। ये जो वाटर बॉटल्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे बनने के पहले कुछ ऐसे दिखते हैं, बाद में एक्सपेंशन के बाद ऐसे हो जाते हैं। आपने सांप को ऊपर से तो देखा ही होगा पर आपने इसका इंटरनल एनाटॉमी नहीं देखा होगा, तो देखो सांप का इंटरनल एनाटॉमी कुछ ऐसा होता है। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग को एक मेंटली डिस्टर्ब्ड पेशेंट ने एक मेंटल हॉस्पिटल में बनाया था और आप इस ड्राइंग से ही इमेजिन कर सकते हो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड लोगों का क्या हाल होता होगा। ये कैलिफोर्निया के एक वाटरफॉल का इमेज है और एक पल के लिए यहाँ चांद एक ऐसे पोजीशन पर आया है कि ऐसा लग रहा है कि पानी के साथ चांद भी पिघलकर गिर रहा है, मतलब कितना प्लीजेंट व्यू है। बिल हेस्ट नाम का एक इंसान था और वो काफी सालों तक लगातार अपने बॉडी में सांप के जहर को इंजेक्ट करता था ताकि वो सांप के जहर के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड कर पाए, और उसने ऐसा किया भी और उसके बाद उसको 172 सांपों ने काटा, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ और उसने अपने ब्लड को स्नेक बाइट विक्टिम्स को डोनेट भी किया, और इतना ही नहीं 100 सालों तक वो जिंदा भी रहा, मतलब वाव क्या अमेजिंग आदमी था यार। आप अपने घरों के गैस सिलेंडर में ये वाला कोड तो देखा ही होगा, ये कोड आपको ऐसे ऐसे लिखे हुए मिल सकता है, जैसे A लिखा होगा और साथ में कोई दो नंबर, या फिर B लिखा होगा और साथ में कोई दो नंबर ऐसे ही, या फिर C लिखा होगा और साथ में कोई दो नंबर, और या फिर D लिखा होगा और साथ में कोई दो नंबर। तो ये कोड एक्चुअल में उस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट होता है, उसके अंदर जो गैस है उसका नहीं, उस गैस सिलेंडर का, और इसमें ये जो अल्फाबेट लेटर है तो ये मंथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे A जनवरी फरवरी और मार्च को, और B अप्रैल मई और जून को, और C जुलाई अगस्त और सितंबर को, और D अक्टूबर नवंबर और दिसंबर को, और इसके साइड में जो नंबर होता है वो साल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके सिलेंडर पर अगर A30 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपके सिलेंडर का एक्सपायरी डेट साल 2030 के जनवरी से मार्च महीने के बीच हो जाएगा, मतलब साल 2030 के जनवरी से मार्च महीने के बीच फिर से इस सिलेंडर को जांच के लिए भेज देना चाहिए। इसलिए आगे से आप जब भी सिलेंडर को पिक करो तो ये एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना, एटलीस्ट ये डेट उसी साल का रहना चाहिए या उससे आगे का। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब जिस साल में आप सिलेंडर ले रहे हो उससे कोई भी पिछला साल प्रिंटेड है, तो तुरंत उस सिलेंडर को वापस कर दो, क्योंकि इससे खतरा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सा लगे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।